नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिक फार्मिंग जुमला नरखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, दीपक जी हमारे फरवरी ट्रेनिंग सेशन के सहभागी थे, उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया था। उस समय उनका फार्म अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब उनका फार्म बन के तैयार हो चुका, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फार्म भाई दोस्तों, कल उनका फाइनली हमारे पास कॉल आ गया था कि सर हमें अपने फार्म की शुरुआत करने के लिए ब्रीड सिलेक्शन आपके फार्म से करनी है। तो फार्म भाई दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे दीपक जी ने किस तरह की ब्रीड का सिलेक्शन किया और उन्होंने इंडियन पिग फार्म को ही क्यों चुना ब्रीड सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, इसके बाद बायोसिक्योरिटी के सभी प्रोटोकॉल्स का नियमों का पालन करते हुए पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया गया, रैम के साथ अटैच किया गया। साथ में दीपक जी के साथ मिलकर बढ़िया एनिमल्स का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद सभी एनिमल्स को ईजिली अपने बाड़े से बाहर निकालेंगे और रैम से होते हुए सेफली गाड़ी के अंदर लोड करेंगे। पूरा प्रोसीजर आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों, फार्म भाइयों, किसी भी फार्म भाई को अपने फार्म की ब्रीड एक्सचेंज करने के लिए, नए फार्म की शुरुआत करने के लिए अगर किसी भी तरह के एनिमल्स का चुनाव करना है, हमसे लेना चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे फार्म पर हमेशा लाजवाइट यॉर्कशायर और लैंडरेस के एनिमल्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो फार्म भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सीधा दीपक जी के साथ ब्रीड सिलेक्शन के लिए। वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं इंडियन पिक फार्मिंग जुमला नरखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, हमारे फरवरी के जो ट्रेनिंग बैच के सहभागी थे मिस्टर दीपक कुमार जी, आज मेरठ से आए हुए हैं। आज इन्होंने अपनी ब्रीड सिलेक्शन करनी है अपने फार्म को गति देने के लिए, अपना फार्म शुरू करने के लिए। तो सभी प्रोटोकॉल जो बायोसिक्योरिटी के होते हैं उनको फॉलो करते हुए हम आज ब्रीड सिलेक्शन करेंगे, ब्रीड को छाटेंगे ताकि दीपक जी अपने फार्म के लिए यहाँ से ब्रीड लेके जा सकें। साथ में आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे जो मई बैच के ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, साथ में इनको भी ब्रीड सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा। ब्रीड सिलेक्शन करते हुए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जब गाड़ी आपके फार्म में एंटर करनी होती है आपको क्या क्या बायोसिक्योरिटी के नियम को ध्यान में रखना होता है, किस तरह से गाड़ी को सैनिटाइज करना है, गाड़ी को फिर रैंप पे लगाना है, किस तरह से आपको एनिमल को सिलेक्शन करके बाड़े के बाहर निकालना होता है, फिर उसको लोडिंग अनलोडिंग करना होता है। आज पूरा प्रोसीजर दीपक जी के साथ, दीपक जी के सामने सभी ट्रेनिंग भाइयों के साथ मिलकर हम करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो में बने रहें, धन्यवाद। जी, आप मेरठ से आए हैं, आपको हमारे एनिमल पसंद आए, आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, आपने और जगह भी एनिमल्स के बारे में इंक्वायरी की होगी, देखा होगा, तो आपको अपनी राय में आपके क्या एक्सपीरियंस रहे इसके बारे में बताइए, यहाँ से आपने ब्रीड को सिलेक्शन करना क्यों चुना? एक्चुअली जब मैंने फरवरी माह में यहाँ से ट्रेनिंग ली थी जी, लगभग उसी वक्त मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे ब्रीड जो जानवर लेने हैं यहीं से लेने हैं, क्योंकि मुझे ब्रीड अच्छी लगी थी, इससे पहले भी मैंने और कई फार्मों में भी देखा था जी। लेकिन ठीक है, औरों के भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी अपनी राय से वो उतने अच्छे नहीं मुझे ब्रीड लगी, इसीलिए मैं अब फार्म तैयार होने के बाद वापस अरुण जी के पास आया हूँ ब्रीड लेने के लिए जी। ऐसा तो नहीं हमने आपको मैनिपुलेट किया हो कि आप हमसे ही नहीं, ब्रीड लेके जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से मर्जी से अपना देखने के बाद ही और फार्मों पे भी देखने के बाद खुद ही ये समझ के कि ये ब्रीड अच्छी है जी। और अरुण जी पे विश्वास करते हुए भी मैं यहाँ से ब्रीड लेके जा। धन्यवाद। तो फार्म भाइयों, इंडियन पिक फार्म पर आपको बेहतरीन ब्रीड का सिलेक्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लार्ज वाइट यॉर्कशायर और लैंडरेज की सभी वेट की गिल्ड्स अवेलेबल मिलेगी। साथ में आप बोर के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का बोर चाहिए अपने फार्म के लिए, आपके फार्म में रिक्वायरमेंट हो बोर की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फार्म भाइयों, दोस्तों, बायोसिक्योरिटी किसी भी फार्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके फार्म पर किसी भी तरह का वायरस का अटैक होता है तो आपके फार्म पर बर्बादी के आसार आ सकते हैं, आपका फार्म ख़त्म हो सकता है, इसलिए बायोसिक्योरिटी का अपना महत्व, बायोसिक्योरिटी के नियमों को जरूर पालन करें। अपने फार्म में किसी भी गाड़ी को एंटर होने से पहले उसमें KMNO4 का छिड़काव जरूर करें। ये देखिए, गाड़ी को रैम के साथ लगा रहे हैं, अगर आपके पास रैम की अच्छी व्यवस्था है तो आपके एनिमल्स को लोड होने में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। फार्मर भाइयों आ गए हैं शेड के अंदर, दीपक जी के साथ अब ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे, एनिमल्स का सिलेक्शन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इंडियन पिक फार्म मेंटेनिंग सेंटर के एनिमल्स की क्वालिटीज़ को, इनके स्किन कलर को देखिए, इनके कदकाठी को देखिए, बहुत ही बढ़िया किस्म के लार्ज वाइट यॉर्कशायर की ब्रीड दीपक जी ने पसंद किए। दीपक जी के द्वारा पसंद किए गए एनिमल्स को मार्क कर लिया गया है और एक शेड से होते हुए अब आप देख पा रहे होंगे एनिमल्स को दूसरे शेड में लेके जाया जा रहा है।
गैलरी में आगे वेट मशीन को लगा दिया गया है। वेट मशीन से होते हुए सभी एनिमल्स अब रैंप से होते हुए गाड़ी की तरफ जाएंगे, आप वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों आपके फार्म पर एक बढ़िया रैंप का होना बहुत जरूरी है। देखिए एनिमल्स बाहर आ रहे हैं, आप एनिमल्स का कलर देख सकते हैं, इनकी कदकाठी को देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किस्म के एनिमल्स दीपक जी ने अपने फार्म के लिए चुनाव किए हैं। किसी भी फार्म भाई को अपने फार्म के लिए नई ब्रीड की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे यहाँ पे गिल्ट और बोर हर समय अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों आपके फार्म पर एक रैंप का होना भी आवश्यकता है। बहुत सी जगह देखा गया है कि रैंप ना होने की वजह से एनिमल को उठा के गाड़ी में डाल दिया जाता है, जिससे कि एनिमल की पैरों में चोट आ सकती है या किसी अन्य जगह भी चोट लग सकती है। पैर देख लो, पैर ना जाए। दोस्तों अभी जो आप बोर देख पा रहे हैं यह प्योर ड्राई फीड पे सेल के लिए अवेलेबल है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के ब्रीड है, आप इसके टेस्टिकल देख सकते हैं, बिल्कुल सुडोल टेस्टिकल है। लगभग 90 से 100 किलो की एवरेज में ये बोर है। आप इसके पुट्ठे देख सकते हैं, इसकी स्किन का कलर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बोर ये आपके लिए अवेलेबल है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क सूत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दोस्तों दीपक जी आज से अपनी नई फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं, पिक फार्मिंग के समुंदर में गोते लगाने को तैयार है, अपने हाथ आजमाने को तैयार है। हमारे इंडियन पिक फार्म से दीपक जी आज 10 गिल्ट को लेके जा रहे हैं। हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, भगवान इनके काम को, इनके धंधे को दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति दे, यह हमारी भगवान से प्रार्थना है। दीपक जी आप ये बताइए, आपको किसी तरह से मजबूर तो नहीं किया गया या ऐसा तो नहीं बोला गया कि आप यहीं से हमसे माल लीजिए कुछ इस तरह का? तो ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। आपको यहाँ के एनिमल पसंद आए? बिल्कुल आपके एनिमल पसंद आए तो मैं मेरठ से यहाँ लेने आया हूँ इन्हें जी, और यहाँ पर भी मेरी ही पसंद के एनिमल मुझे दिए गए जी। कोई ऐसा नहीं कि आपने ये कहा कि नहीं ये देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं, जो मुझे जो आपको पसंद आए वही एनिमल आपने लिया। बिल्कुल। जो लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस था उसमें एनिमल्स को किसी तरह की परेशानी हुई हो? नहीं नहीं, वो बड़ा स्मूथली आपके स्टाफ ने किया गया जी, वो बड़े प्रॉपरली मेरा वो जो वैन थी वो प्रॉपरली पैक करके मुझे दी। तो हमारी सर्विस से, हमारे वर्कर से, जो हमारी टीम वर्क हम करती है उसके काम से आप खुश हैं? बिल्कुल एकदम A1 जी, फर्स्ट क्लास। तो फार्म भाई इस तरह से दीपक जी हमारे यहाँ से ट्रेनिंग भी ले चुके और एनिमल्स को भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, आज से ये पिक फार्मिंग में अपने हाथ आजमाने को तैयार है। हम फिर से भगवान से इनकी सफलता की, कामयाबी की कामना करते हैं। धन्यवाद।